आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, आज के इस लाइव सेशन में। बच्चों जैसे कि हम क्लास 11th फाउंडेशन, बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बच्चों हम सारा सेक्शंस कवर अप कर चुके हैं। ग्राफिकल सेक्शन बच्चों, उसमें स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और मोशन अंडर ग्रेविटी का बच्चों सारा सेक्शन हमने कवर अप कर लिया है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ बच्चों, ग्राफ से रिलेटेड पूरा सेक्शन बच्चों अलग मेरी प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो। प्लेलिस्ट में जाके बच्चों वो सेक्शन आपको मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो बच्चों वहाँ पर जो है प्लेलिस्ट आप देखेंगे, तो प्लेलिस्ट में जाके बच्चों आपको वहाँ पर ग्राफिकल पूरा सेक्शन मोशन स्ट्रेट लाइन का बच्चों आपको मिल जाएगा। तो ग्राफिकल आपको पूरा बेसिक सारे क्वेश्चन बच्चों, मैंने आपको क्वेश्चन भी आपको कराए हुए हैं प्रीवियस ईयर नीट और जेई के आए हुए सारे क्वेश्चन बच्चों, हमने इसके पहले ही सेशन में बच्चों हमने कवर कर लिए थे। इसलिए बच्चों वो सारा सेशन हमने जो है बच्चों अलग से लाइव किया हुआ है, तो उस सेशन को आप देखने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बच्चों आपको अगर वो सेशन आपको देखना है तो बच्चों आप जाकर जो है हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर बच्चों चेक कर सकते हैं उस सेशन को। और जैसा कि बच्चों लास्ट सेशन में हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस बच्चों हम लास्ट सेशन में किए थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए बच्चों आज का सेशन हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर ही होने वाला है। और एनसीईआरटी के बहुत टॉप नोच क्वेश्चंस बच्चों जो ज़्यादातर बच्चों पूछे जाते हैं या फिर हमारे जेई मेन्स या फिर बच्चों नीट से रिलेटेड बच्चों क्वेश्चंस हैं। और मैं आपको पहले ही एक बात बोलता हूँ कि बच्चों आपका अगर जेई और नीट के लिए बच्चों अगर आपका फोकस है तो बच्चों सबसे पहले आपका एनसीईआरटी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बच्चों। रट्टाफिकेशन नहीं हो कि आपको बेसिक आना चाहिए, डेट इज मस्ट। और मैंने बच्चों सारी चीजें टॉप टू बॉटम बच्चों यहां पर कवर की हैं। आप सारे आप देखेंगे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन जहां और टीचर्स या फिर और ऑनलाइन चैनल्स पर भी आप देखोगे तो बच्चों एक वन शॉर्ट सीरीज में आपको करा देते हैं। बट लेकिन मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए कम से कम बच्चों 13-14 क्लासेस बच्चों करा चुका हूं मैं, इसलिए वो सभी 13-14 क्लासेस बच्चों आपको देखना मस्ट है। जो बच्चे 11th फाउंडेशन के हैं, 11th में हैं और 11th फाउंडेशन बच्चों वो कर रहे हैं, 11th फाउंडेशन में आपको बच्चों क्लियर कर दूं कि 11th फाउंडेशन कोर्स हमारा क्या है। इस 11th फाउंडेशन कोर्स में बच्चों हम कवर अप करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11th को और साथ ही साथ जेई और नीट को बच्चों हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो सभी बच्चे जो नीट और जेई एस्पिरेंट्स हैं 2026 के लिए बच्चों, फिलहाल 2024 चल रहा है, 2025 में आप 12th में आ जाएंगे और 2026 में बच्चों आप जो है नीट और जेई मेंस का बच्चों आप एग्ज़ाम देंगे, तो उन सभी के लिए 11th से ही जो प्रिपरेशन बच्चों स्टार्ट करते हैं वो हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट बच्चों हम यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े रहिए। और चलते हैं बच्चों अपने सेशन के स्टार्ट करते हैं। और एनसीईआरटी का बच्चों सेक्शन हम जैसे कि लास्ट क्वेश्चंस बच्चों हम कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हुए एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो बच्चों बचे हुए हैं उनको हम आज फिनिश अप करने की कोशिश करेंगे कि हमारे आज के सेशन में वो सभी फिनिश अप हो जाएं। और नेक्स्ट सेशन बच्चों हमारा तो धमाकेदार होने वाला, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11th या फिर आपका फाउंडेशन फॉर फाउंडेशन के लिए, और आपको दोनों साल में बच्चों सबसे ज़्यादा आपको काम आने वाला है वो है वेक्टर्स। पूरे फिजिक्स की बच्चों नींव है, तो वेक्टर्स वाला सेक्शन बहुत अच्छे से करें मेरे साथ और डेफिनेटली आप इस कंटेंट को बच्चों एंजॉय कर रहे होगे। एंजॉय करने का जब मैं कहता हूँ कि आप एंजॉय करोगे, डेट मीन्स एंजॉय करना, डेट मीन्स आपको की पॉइंट्स जो बच्चों मैंने आपको समझाए हैं यहाँ पर देने की कोशिश की है, सभी को कंसेप्ट बच्चों क्लियर हो रहे होंगे। इसी बात को मैं कहता हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है देन यू विल एंजॉइंग माई कंटेंट। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। जैसे कि बच्चों लास्ट सेशन में बच्चों हमने क्वेश्चंस किए थे एनसीईआरटी के, और बच्चों पहले भी हम बता चुके हैं हमारे कुछ बैचेस जो ऑनलाइन बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं, नीट का बैच है बच्चों प्रॉपरली, जेई मेन्स का बैच है, 11th फाउंडेशन और बच्चों 12th फाउंडेशन। बाकी सभी आप ऑनलाइन आप चैनल्स पर आके देखेंगे या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बच्चों आप देखेंगे तो उनसे कहीं ज़्यादा बेटर हमने देने की कोशिश की है कि हम बच्चों को जो है यहाँ पर स्लाइड से ना करा के बच्चों हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चों को बेसिक से बेसिक जो है आपको जो सभी क्लियर किया जाए। ये सारा सेक्शन बच्चों हम कवर अप कर चुके हैं अलग अलग सेशंस में, तो ये वही है कि आपको सभी ये
टॉपिक्स क्वेश्चंस बच्चों हम कवर अप किए हैं हमने। तो लास्ट सेशन में बच्चों जैसे कि हमने ये क्वेश्चंस कराए थे कुछ, ठीक है, उसी से बच्चों आगे हम कंटिन्यू करते हुए अब आगे चलते हैं। तो आगे की तरफ बच्चों हमारे एक क्वेश्चन है, हमारे सभी बच्चों को विजिबल होगा आई थिंक। बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एडिशनल प्रॉब्लम में है, ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एडिशनल प्रॉब्लम में है। तो आप ये समझ लीजिए, ये समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन बच्चों काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है बच्चों। और क्वेश्चन बोला गया टू स्टोन्स आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली, दो स्टोन एक साथ ऊपर की तरफ साइमल्टेनियसली फेंके जाते हैं। ठीक है, टू स्टोन्स आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द एज ऑफ एन क्लिफ 200 मीटर हाई विद इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड, वेरीफाई डेट द ग्राफ शोन इन फिगर दिस करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइम वेरिएशन ऑफ रिलेटिव पोजिशन ऑफ सेकेंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस एंड एज्यूम डेट द स्टोन्स डू नॉट रिबाउंड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गिव द इक्वेशन फॉर द लीनियर एंड कर्व्ड पार्ट ऑफ द प्लॉट। ठीक है, बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन में बोला गया कि एक क्लिफ से चट्टान से 200 मीटर की हाइट है उस चट्टान की, तो उससे बच्चों दो पत्थर जो हैं दो स्टोन हैं उनको हम थ्रो करते हैं और इसकी हाइट है 200 मीटर। ठीक है बच्चों, इसकी हाइट है कितनी 200 मीटर और इसको हमने जब यहाँ से थ्रो किया तो दो स्टोन बच्चों थ्रो किए गए हैं, एक स्टोन जो थ्रो किया गया है उसकी स्पीड है कितनी बच्चों 15 मीटर पर सेकंड, दूसरे वाले की स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड। तो U1 पहले वाले के लिए 15 मीटर पर सेकेंड है, 15 मीटर पर सेकेंड सेकेंड स्टोन के लिए इनिशियल स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, पहले के लिए 15 मीटर पर सेकंड, सेकंड स्टोन के लिए 30 मीटर पर सेकंड, दो स्टोन हमने ऊपर की तरफ बच्चों थ्रो किए हैं। ठीक है, पहला स्टोन 15 से जा रहा ऊपर और दूसरा स्टोन जा रहा 30 मीटर पर सेकंड से, एक क्लिफ यानी कि एक चट्टान पर हम बैठे हुए हैं, चट्टान से हमने जो है 200 मीटर की हाइट है चट्टान की, तो उससे हमने दो स्टोन ऊपर की तरफ जो है ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तो रिलेटिव पोजिशन यानी कि ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है दोनों की रिलेटिव पोजिशन यानी कि एक की पोजिशन X1 है तो दूसरे की कितनी है बच्चों X2 है, तो दोनों की जो रिलेटिव पोजीशन है उनके बीच में ग्राफ है वर्सेस टाइम। तो ये ग्राफ हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये ग्राफ हमें दिया हुआ है, तो ये ग्राफ आपको प्रूव करना है कि क्या इन दोनों का ये जो ग्राफ है लीनियर कर्व पाथ का, ये वाला लीनियर पार्ट है ये वाला कर्व्ड पाथ है, तो ये जो ग्राफ है ये वेरीफाई है इन दोनों स्टोन की रिलेटिव पोजीशन के बीच में और टाइम के बीच में जो ग्राफ है बच्चों, क्या ये ग्राफ सही है, आपको ये जो है प्रूव करके बताना है कि ये जो ग्राफ रिलेटिव पोजीशन है दोनों की उनके लिए सही है या नहीं। देखो, तो सबसे पहले तो बच्चों इन दोनों स्टोन की आप इक्वेशन बना लीजिए, ठीक है, इक्वेशन आप बनाएंगे तो पहले वाले के लिए एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा दिए, पर लेकिन दोनों के पास इनिशियली हाइट कितनी है 200 मीटर, तो इस कंडीशन के लिए आपने पढ़ा हुआ एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास एक इक्वेशन होती है और इसमें एक्स नोट क्या है उसके पास इनिशियली चला हुआ डिस्प्लेसमेंट, इनिशियली चला हुआ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों किससे, एक्स नोट से। तो ऑलरेडी दोनों ने हाइट में कितना चला हुआ पहले से 200 मीटर दोनों के पास है, तो पहले वाले स्टोन के लिए हमने ले लिया एक्स वन और कितना चला हुआ बेटा ये 200 मीटर प्लस इनिशियल स्पीड पहले वाले के लिए ले लिया आपने कितनी भैया 15 और टाइम कितना है टी, और बच्चों जब ऊपर की तरफ हम थ्रो कर रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन होगा बेटा माइनस जी। ठीक है, एक्सेलरेशन होगा माइनस जी, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है जी, ये बच्चों हमने यहाँ पर ले लिया, जी की वैल्यू वैसे हमें 10 दी हुई है,
ठीक है, जी की वैल्यू हमें 10 दी हुई है। ये हो गए इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट स्टोन के लिए। सेकंड स्टोन के बच्चों अगर हम बात करते हैं तो सेकंड स्टोन के लिए एक्स टू आ जाएगा हमारे पास, उसके पास भी इनिशियल हाइट कितनी है 200 है, तो 200 रख लिया, प्लस उसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी गई 30, तो यू की जगह यहाँ पर आ जाएगा 30 टाइम कितना टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन होगी बच्चों सेकेंड, ठीक है। हमारे पास बच्चों ये दोनों इक्वेशन बच्चों हमारे पास आ चुकी हैं, और दोनों इक्वेशन में सबसे पहले हम निकालते हैं इनकी रिलेटिव पोजीशन। क्या निकालते हैं बच्चों, हम इनकी रिलेटिव पोजीशन निकालते हैं। तो रिलेटिव पोजीशन अगर निकालें तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को आपस में माइनस कर लेना है, और अगर माइनस करते हैं तो आपको दिख रहा है x2 - x1, तो हम x2 - x1 अगर बच्चों यहाँ पर करते हैं तो x2 की वैल्यू ये रही हमारे पास 200 + 30t - ½gt² x2 हो गया, माइनस x1 करेंगे तो x1 की वैल्यू ये वाली माइनस माइनस 200 - 15t, और बच्चों माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस ½gt². तो हमारे पास ये x2 - हमने x1 कर लिया, और x2 - x1 करके आपको क्लियरली पता लग रहा होगा कि यहाँ से 200 ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, और ½gt² ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास है 30t - 15t, ठीक है बच्चों, 30t - 15t, तो हमारे पास ये आ जाता है बच्चों 15t, और ये आएगा x2 - x1, ठीक है, x2 - x1। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, ये x2 - x1 जो आ रहा है बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके टाइम के। तो ग्राफ हमारा यहां पर दोनों के रिलेटिव पोजीशन के लिए ग्राफ कैसा आएगा भैया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा हमारा, कैसा स्ट्रेट लाइन, लीनियर ग्राफ यहां पर आने वाला, क्योंकि यहां पर ये x2 - x1 दोनों के रिलेटिव पोजीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों किसके टाइम के। तो आप देख रहे हो ये जो ग्राफ है हमारा स्ट्रेट चल रहा है, क्योंकि x2 - x1 हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टाइम के। चलो जी, इतनी बात क्लियर होती है जी, बिल्कुल क्लियर होती है। बट लेकिन ये ग्राफ 8 सेकंड तक स्ट्रेट है, ये क्यों स्ट्रेट है, तो चलो इसको निकाल दे। तो बेटा जब पहले वाला जो पत्थर है, ध्यान से देखना, पहले वाला पत्थर जब ऊपर से नीचे आएगा तो ये ग्राउंड को टच करेगा, तो ग्राउंड को जब ये टच करेगा तो बच्चों उसका x1 की वैल्यू उस समय कितनी हो जाएगी, 0। वेरिएशन ऑफ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सेकंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस। तो इसका बच्चों x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर, 0। इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाना है यहां पर, 0। तो व्हेन स्टोन 1 टचेस द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड को टच करेगा भैया, तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0, ठीक है। तो यानी कि पहले वाले के जो हमने x1 यहाँ पर लिया हुआ है बेटा, ये कितना हो जाएगा, 0, और ये कितना, 200, यानी कि पूरा फैक्टर कितना हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम y एक्सिस में देखें तो हमने x1 जो बेटा लिया वो यहाँ से लिया है, x1 की वैल्यू हमने यहाँ से लिया, और इनिशियली 200 चला हुआ था, तो यानी कि पूरा जितना ऊपर गया उतना ही कहाँ गया, नीचे आ गया, इसलिए y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना हो गया यहाँ पर, 0 हो गया। तो x1 को जब आप 0 करोगे, जब ये ग्राउंड को टच करेगा पहला वाला स्टोन, ध्यान से सुनना, पहला वाला स्टोन जब ये ग्राउंड को टच कर रहा है बच्चों, तो x1 को आपने रख दिया 0। तो ये जो इक्वेशन हमें x1 की वैल्यू 0 रखते हैं, तो इसमें 200 + 15t - 1/2gt² इक्वल टू बेटा कितना हो गया, 0, ठीक है जी, ये हो जाता हमारा 0। और इसको अगर हम बच्चों सोल्व करते हैं तो यहाँ पर जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10, ये हो जाएगा 400 + 30t - 1/2 का हमने ले लिया यहाँ पर एलसीएम, ठीक है, मल्टीप्लाई कर ली, जी की वैल्यू आ गई 10, तो ये हो जाएगा 10t² = 0। और इसको आप ले सकते हो 10t² - 30t - 400 = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बच्चों सोल्व करके हमें निकाल लेना है पर क्या बच्चों, टाइम, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए आपने यूज कर लेना -b + √b² - 4ac / कितना बेटा, 2a, इसे हमें अप्लाई कर देना है यहाँ पर। तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 30, तो -30 प्लस आ जाएगा +√b² कितना आ गया, 900, बी स्क्वायर यहाँ से हम निकालेंगे तो 900, ठीक है,
माइनस फोर ए सी माइनस माइनस प्लस फोर ए सी 400, ये आ गया कितना 400, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए और सी, चार इसको 10 से डिवाइड कर लो और सोल्व पड़ गया, इजी पड़ जाएगा ये। इसको अगर हम 10 से डिवाइड कर लें, पहले तो इक्वेशन चेक कर लेते हैं एक बार, 200 प्लस 15t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू होगा 0, और हमारे पास g की वैल्यू कितनी है 10 है, तो इसको हम सीधा सीधा जो है यहाँ पर 10 रख के इजीली सोल्व कर लेंगे, इसको इतना लंबा नहीं लेके जाएंगे, इसको और इजीली सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास ये 200 आ गया प्लस 15t हो गया, माइनस ले लेते हैं कॉमन, तो हो जाएगा माइनस 200 और माइनस 15t, और g की वैल्यू 10 रखेंगे तो आ जाएगा माइनस 5t स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0, और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, क्योंकि हमने माइनस ले लिया बेटा कॉमन, तो हो गया 5t स्क्वायर माइनस के 15t माइनस के 200 इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। और इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं, ये आ गया 3 और ये हो गया 40, 0, ठीक है। ये इक्वेशन आ जाती है माइनस 3t, ठीक है, ये आ गया। तो t की वैल्यू हमें निकालनी है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना 2a। तो यहाँ पर बच्चों b की वैल्यू हमारे पास होगी कितनी 3, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 3, ये हो जाएगा प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4 9, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस, ए की वैल्यू कितनी है 160 हो जाएगा ये अपॉन कितना 2, और ए की वैल्यू होगी 1 यानी कि बाई 2, तो ये आ जाता है 169, तो ये अंडर रूट आएगा 13, तो ये आ गया 3 प्लस माइनस, तो ये सोल्व करके आ जाता बच्चों 3 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 13 अपॉन कितना 2, और अगर हम 13 को प्लस लेंगे, या एक बार तो वैल्यू आ जाएगी कितनी प्लस लेंगे 16 बाई 2, ये एक बार तो आ जाएगा 8 सेकेंड, और अगर इसको माइनस लेंगे तो आ जाएगा माइनस के 5 सेकेंड। और बच्चों टाइम की माइनस वैल्यू, टाइम की जो नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, टाइम की जो वैल्यू हमारे पास आई वो 8 सेकेंड आई, और दूसरी आई माइनस 5 सेकेंड। बच्चों टाइम कैंट बी नेगेटिव, तो टाइम की वैल्यू कितनी रहेगी 8 सेकेंड, ठीक है। तो यानी कि 8 सेकेंड बाद ये वाला जो फर्स्ट वाला स्टोन है वो 8 सेकेंड बाद क्या कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो क्लिप से स्टोन हमने उछाला वो 8 सेकेंड बाद फर्स्ट स्टोन क्या कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट वाला। अब है क्या बच्चों, स्थिति क्या है कि फर्स्ट वाला तो टच कर गया, बट लेकिन आप सेकंड वाले की देखो, सेकंड वाले की वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। सेकंड वाले की जो हमारे पास वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड है, तो ये ज़्यादा हाइट अचीव करेगा। अब ज़्यादा हाइट अचीव करेगा तो फर्स्ट वाला तो पहले यहाँ इसको टच कर गया, उस समय सेकंड वाला कहाँ होगा, उस समय सोचने वाली बात है बच्चों, सेकंड वाला जो हमने यहाँ पर उछाला, सेकंड वाला जो हमने यहाँ पर ऊपर की तरफ उछाला है वो कहीं ना कहीं एयर में होगा, अभी वो कहीं ना कहीं कहाँ होगा, अभी एयर में होगा। डैट मीन्स कहानी बात यह है, कहानी ये है कि फर्स्ट वाला स्टोन हमारा टच कर जाता है ग्राउंड को, ठीक है, फर्स्ट वाला, बट लेकिन सेकंड वाला जो स्टोन है वो कहीं ना कहीं अभी 8 सेकंड बाद, 8 सेकंड वाली कंडीशन में कहाँ होगा, कहीं ना कहीं एयर में होगा। तो यानी कि पहला वाला तो टच कर गया कितने टाइम बाद, 8 सेकंड में, बट लेकिन सेकेंड वाला जो स्टोन है, ये कौन सा स्टोन है बच्चों, सेकंड वाला अभी तक टच नहीं करा, तो सेकंड वाला इसका मतलब कहीं ना कहीं कहाँ एयर में। अब सेकंड वाला कब टच करेगा ये ध्यान तो सुनो, तो हमारे पास पहले तो देखो x2 - x1 कितना है 15t, तो x2 - x1 जो हमारे पास x2 - x1 हमारे पास आया 15t, इसका मतलब इन दोनों में जो रिलेटिव पोजीशन है वो हमारे पास x2 - x1 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके बेटा, टाइम के। इसलिए मैंने बताया कि ये जो ग्राफ हमें दे रखा था कैसा है, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना है इसमें 120। अब डिस्टेंस 120 क्यों है, क्योंकि टाइम हमारे पास कितना आ गया 8 सेकंड,
टाइम हमारे पास 8 सेकंड आ गया, तो x2 माइनस x1 इक्वल टू यहाँ पर 15 इंटू 8 कर लो तो कितना आ गया, 15 इंटू 8 करोगे तो 120 आ गया यहाँ पर, है ना, 15 अट्ठे 120। तो आप देखोगे जब इन दोनों की रिलेटिव पोजीशन है वो 120 मीटर आ रही, ठीक है, 120 मीटर इनमें क्या है बच्चों, डिस्टेंस रह जाता है। डेट मीन्स आप देखो x2 माइनस x1 इन दोनों में जो है रिलेटिव पोजीशन कितनी आ गई, वो 120 आ गई, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो x2 माइनस x1 का जो ग्राफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टाइम के, इसलिए कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन। चलो इसका मतलब यहाँ तक हमारे पास ये 8 सेकंड जब हुए तो ये वाला जो स्टोन है वो क्या करके टच कर गया हमारा पहला वाला स्टोन किसको, ग्राउंड को। अब बात आती है सेकंड वाला जब टच करेगा, हमने दोनों स्टोन को उछाला बट लेकिन फर्स्ट वाला टच कर गया कितने टाइम में भैया, 8 सेकंड में। अब सेकंड वाला कहाँ था भाई, कहीं एयर में था। जब सेकंड वाला टच करेगा तो सेकंड वाले का एक्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 0। जब सेकंड वाला टच करेगा तो सेकंड वाले का डिस्प्लेसमेंट, हमने सभी के डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट सेकंड वाले का एक्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 0। व्हेन इट स्ट्राइक्स, जब ये स्ट्राइक करेगा किसको, ग्राउंड को, जब ये ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा तो उसमें एक्स टू यानी कि दूसरे वाले का डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा, 0। और दूसरे वाले के लिए इक्वेशन एक्स टू इक्वल टू कितना, 200 प्लस 30t माइनस 30t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 30t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बेटा x2 को उठा कर रख दिया हमने 0, ये आ गया 200 प्लस 30t माइनस हाफ g की वैल्यू कितनी 10 है, टू टी स्क्वायर, ये आ गया कितना भैया, इसको उठा के धर लिया हो तो ये आ जाएगा कितना, 5t स्क्वायर, 2 5 10 हो गया, तो ये इधर लिया है प्लस आ गया 5t स्क्वायर माइनस 30t और माइनस के 200 इक्वल टू होगा 0, ठीक है। और टी स्क्वायर आ गया माइनस के 15t और माइनस 40 इक्वल टू हो गया बेटा 0, ठीक है। अब यहाँ से फिर क्वाड्रेटिक को सोल्व करके हमें क्या निकाल लेना है, यहाँ से टाइम निकाल लेना है कि कब सेकंड वाला हमारा जो है, ये तो 8 सेकंड में जो हमारा टच कर गया, सेकंड वाला कब टच कर रहा है ग्राउंड को, कब हिट कर रहा है, तो वो टाइम हमारे पास आ जाएगा, उसको भी निकालते हैं। और एक चीज़ और है बच्चों पकड़ने वाली, जो हमारे पास ये इक्वेशन है ना भाई, पहला वाला तो स्ट्राइक करेगा दोनों में रिलेटिव पोजीशन, पहला वाला तो ग्राउंड पर जाके गिर गया, ये भाई साहब जी पड़े हैं ग्राउंड में, बट लेकिन उस समय ये वाले भाई साहब जो थे सेकंड वाले, ये कहीं यहाँ थे हमने माना, तो ये तो टच करके ग्राउंड को, पर लेकिन ये वाले सेकंड वाला जो स्टोन है, सेकंड स्टोन कहाँ था उस समय, एयर में था, तो सेकंड स्टोन जब एयर में था तो उसके इक्वेशन, उसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जो कि हमने एक्स टू लिए, डेट इज इक्वल टू कितना है बेटा, 200 प्लस 30t माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर। और भैया यहां देखने वाली बात है कि ये इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक है, यानी कि इसका कर्व ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, x2 जो डिपेंड कर रहा है वो पावर 2 पर डिपेंड कर रहा है टाइम की, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि जब ये ग्राफ ये वाला पहला स्टोन टच कर जाएगा ग्राउंड को, उसके बाद जब सेकेंड वाला, उसकी ट्रेजेक्ट्री 8 सेकंड के बाद आप देखोगे तो भैया कैसी होगी, क्वाड्रेटिक है, यानी कि क्या आएगा बेटा, कर्व आएगा, क्या आएगा, कर्व आएगा। इसलिए आप यहां ध्यान दीजिएगा, पहला वाला स्टोन तो टच कर गया ग्राउंड को, उसके बाद सेकंड वाला ये क्या है, कर्व है, और कितने टाइम आ रहा है, 2 सेकंड। इसको भी हम निकाल के दिखाते हैं कि 2 सेकंड बाद यानी कि 10 सेकंड में टच करेगा ग्राउंड को, पहला वाला 8 सेकंड में टच कर गया और दूसरा वाला 10 सेकंड में करेगा, उसको भी निकालते हैं क्योंकि हमारे पास यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई हुई है, इसको सोल्व करते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए t इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना भैया, 2a, इसको अप्लाई कर देना, t इक्वल टू माइनस बी, बी कितना भैया 15, तो ये लिख लेंगे 15 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 15 15 225 माइनस 4a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी 40, तो प्लस 40 ये आ गया कितना, ac यानी कि 40 हो गया, 160 हो गया, ठीक है, अपॉन 2 इंटू a की ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से t की वैल्यू बच्चों आ जाती है इक्वल टू 15 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा कितना, 5 8
385 आ गया अपॉन ये होगा 2 और अंडर रूट 385 कितना आएगा, अंडर रूट 385 पाँच छः दो आठ दो एक तीन 385 चार चौक 16 20 का स्क्वायर करते हैं 400 हो जाएगा 19 का 19 का स्क्वायर 16 161 171 19 एक 10 6 16 105 लगे 1 3 361 तो 19 के आसपास वैल्यू आ रही है। चलो ये आता 361, इसका मतलब है 19 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, 19 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी बच्चों t इक्वल टू 15 और अप्रोक्स में अगर इसको हम ले लेते हैं कितना 20 के आसपास, ठीक है इसको ले लेते हैं 20 के आसपास बाई 2 30 पास 35 17 अगर प्लस लेते हैं 15 प्लस 20 अपॉन 2 तो आता कितना 35 बटे 2 और क्या हो सकता है 20 माइनस के 20 माइनस के 5 बटे 2 तो ये आता 2.5 तो 17.5 नहीं गलत आ रहा। दोबारा सोल्व करते हैं x2 कहीं देख लेते हैं मिस्टेक तो नहीं हुई। x2 की वैल्यू को 0 रखा 200 आ गया ये 30 आ गया, ठीक है एक बार इक्वेशन चेक कर लेते हैं हम, हमारी इक्वेशन ठीक है 30 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है हाफ जी टी स्क्वायर जी की वैल्यू 10 दे रखी है तो उसको हमने कितना रख दिया यहाँ पर 10 रख दिया ये आ गया 5 तो इसको उधर ले आए प्लस 5 हो गया माइनस 200 हो गया और माइनस 30 टी हो गया 5 36 ये गलत कर दिया यहाँ पर, यहाँ गलती हो गई यहाँ पर क्या हो गई मिस्टेक, ठीक है बच्चों तो यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 60 40, ठीक है बच्चों यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी बाई कैलकुलेशन तो इसको यहाँ आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ सोल्व करते हैं तो अब ये इजीली आंसर आ जाएगा। तो टी इक्वल्स टू माइनस बी यानी कि माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू कितनी है बी स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 4ac बी स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 4ac का 160, ठीक है अपॉन 2 ए की वैल्यू कितनी है 1 तो 6 प्लस माइनस और अंडर रूट 196 अपॉन कितना होगा 2, ठीक है और 16 का स्क्वायर करते हैं तो 196 आता है तीन का स्क्वायर करेंगे तो 196 स्क्वायर किसका आएगा बराबर 14 का स्क्वायर करते हैं 4 चौक 16 6 आ गया 9 आ गया तो 14 का स्क्वायर आएगा 196, ठीक है तो 6 प्लस माइनस आ जाता 14 बाई कितना बच्चों 2 तो 14 का स्क्वायर हमारे पास ये 196 14 का स्क्वायर आ गया और इसको आप ले सकते हो 20/2 या फिर ये आ जाएगा बच्चों कितना माइनस का 8/2 और माइनस में टाइम होता नहीं तो आ जाएगा 10 सेकेंड तो यहाँ से टाइम निकल के आता 10 सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था
तो बच्चों ये वाला जो सेकंड वाला स्टोन है, पहले वाला तो 8 सेकंड में टच कर गया, तो दूसरा वाला ग्राउंड को टच करेगा कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। और यहाँ जो ग्राफ दे रखा है ना बच्चों, देखो यहाँ पर दिखा भी रखा है कि पहला वाला स्टोन 8 सेकंड में टच कर रहा है ग्राउंड को, और 10 सेकंड में कौन सा वाला टच कर रहा है, दूसरा वाला। बट लेकिन इन दोनों की रिलेटिव पोजिशन देखी जाए, इन दोनों की रिलेटिव पोजिशन देखी जाए, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके, टाइम के। बट लेकिन पहला वाला तो टच कर गया, तो पहले वाले का तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, 0। बट लेकिन जब पहला वाला टच कर गया, सेकंड वाला भी कहाँ है, एयर में है, तो सेकंड वाले की ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, सेकंड वाले की इक्वेशन आप देख रहे हो वो कैसी है भैया, सेकंड वाले की इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की वजह से बच्चों पावर 2 पर डिपेंड कर रही है, इसीलिए हमने इसका जो ग्राफ है वो कैसा आएगा भैया, पैराबोलिक, यानी कि क्या आ रहा बेटा, कर्व आ रहा है, ये कैसा आएगा, कर्व आएगा। और सेकंड वाले को टाइम कितना लगा, यानी कि जब ये सेकंड वाला टच करेगा ग्राउंड को, तो उस समय टोटल x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो जाना, 0 हो जाना। तो x2 को हमने उठाकर 0 रख दिया, और क्वाड्रेटिक का हमने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो गई, इसलिए टाइम लग गया। तो यहाँ पर 10 सेकंड आप देख रहे हो, 10 सेकंड बाद ये ग्राउंड को टच करेगा, पहला वाला टच करेगा कितने सेकंड में। आई होप कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, ए प्लेयर थ्रोज ए बॉल अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकंड। एक प्लेयर ऊपर की तरफ जो बॉल जो थ्रो करता है, और वो जो बॉल बच्चों थ्रो करता है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, यू इक्वल टू 29 पॉइंट, यू की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 29.4 मीटर पर सेकंड है स्पीड हमें दे रखी है बच्चों। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। जब अपवर्ड मोशन होता है बेटा, एमजी फोर्स लगती है नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यानी कि जो कि होता जी, वो क्या होता, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। एक्सेलरेशन होता कहाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड। ठीक है, उसके बाद ये बोलता है पहला हमारा जो पार्ट है वो क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी की बात करते हैं। व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट। जब किसी भी बॉल को हम थ्रो करते हैं, जब किसी भी बॉल को बच्चों हम थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ, ये वी आंसर है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद बॉल की वेलोसिटी हो जाती है 0, एक्सेलरेशन होता है बेटा कितना, प्लस जी। ध्यान से रखो, ये ध्यान रखने वाली बात है, हाईएस्ट पॉइंट पर यानी कि जब बॉल ऊपर चलेगी वेलोसिटी घटती जाएगी, टॉप मोस्ट पोजिशन पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जानी है, 0। और वहां पर वेलोसिटी 0 होने के बाद भी बच्चों एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा, क्योंकि उस पर अभी भी एमजी फोर्स वर्क कर रहा है, एमजी फोर्स वर्क कर रहा है। तो कोई भी ऐसा मोशन नहीं होता जब वेलोसिटी 0 हो और एक्सेलरेशन उसमें एग्जिस्ट कर रहा हो। तो सिर्फ एक यही ऐसा मोशन है जो वर्टिकल मोशन होता है, वहां हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। बट लेकिन एक्सेलरेशन फिर भी 0 नहीं है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जी की वैल्यू के इक्वल होता है। उसके बाद अगर बात करें तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है बच्चों यहां पर सी पार्ट आप पढ़ेंगे, तो सी पार्ट हमें बोल रहा है चूज द एक्स इक्वल टू 0 मीटर एंड टी बराबर 0 सेकंड टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ ए बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट। यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर बॉल, सी वाले पार्ट में बोला हुआ कि हाईएस्ट पॉइंट पर बॉल पहुंच जाती है, और हमने यहां पर एक्स बराबर 0 ले लिया, टी बराबर क्या ले लिया बेटा, 0। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना, ये कैसी डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन हमने ले रखी है, वर्टिकली डाउनवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है, एक्स एक्सिस की। गिव द साइन ऑफ पोजिशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉल ड्यूरिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में आपको वेलोसिटी के और क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन के पोजिशन, यानी कि एक्स, हमें एक्स बताना है फर्स्ट कहां पर, अपवर्ड में, ठीक है, सेकंड डाउनवर्ड में। ठीक है, एक्स बताना है साइन, वेलोसिटी का साइन बताना है और एक्सेलरेशन का साइन बताना है। ऐसे ही डाउनवर्ड मोशन के लिए बच्चों हमें एक्स यानी कि पोजीशन का साइन, वेलोसिटी का साइन, ठीक है, और तीसरा एक्सेलरेशन का साइन। तो बच्चों सबसे पहले बात करें अपवर्ड पोजीशन के लिए, तो अपवर्ड पोजीशन में एक्स की वैल्यू हम बात करें तो एक्स की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव। एक्स की वैल्यू बच्चों होगी क्या, पॉजिटिव होगी, और वेलोसिटी
की बात करें, अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी घटेगी तो वेलोसिटी कैसी रहेगी? नेगेटिव। एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? यहाँ पॉजिटिव। ठीक है जी, एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? पॉजिटिव। और फिर हम बात करते हैं कहाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में बच्चों सारे ही क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्स भी पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी कैसा रहेगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये यहाँ पर साइन होंगे किसके? एक्स वी और ए के। उसके बाद बात करते हैं पार्ट डी पर, पूछते हैं पार्ट डी में पूछा हो, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज, आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड। चलो पढ़ते हैं, समझते हैं। और ये कह रहा है कि नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को आप नेगलेक्ट कर लो, यानी कि एयर की वजह से यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रही है ना उसको आप नेगलेक्ट कर लीजिए, उसका यहाँ पर बच्चों कोई भी इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ वाला पार्ट यहां पर करते हैं बच्चों। फोर्थ पार्ट में हमसे बोला गया कि जो बॉल हमने बच्चों थ्रो की है, जिस बॉल को हमने थ्रो किया है, और इसको हमने थ्रो किया 29.4 मीटर पर सेकंड से, तो टू व्हाट हाइट, कितनी हाइट तक ये राइज करेगी, और हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड, यानी कि कितने टाइम बाद वो प्लेयर्स के हैंड में वापस आ जाएगी। ठीक है, ध्यान से समझना, इसको हमने थ्रो किया u बराबर 29.4 मीटर पर सेकंड से, और कितनी हाइट तक, मान लिया ये इस हाइट तक राइज करती है तो कितनी हाइट है ये बता दो हमें, ये हमसे पूछा गया, यानी कि हाइट हमें बतानी है कितनी हाइट तक ये राइज कर जाएगी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और कितने टाइम बाद ये बॉल वापस प्लेयर के हैंड में वापस आ जाएगी, यानी कि टाइम बताना है कितने टाइम बाद। ठीक है, चलो बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो यहाँ पर लगाते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस कितना बेटा, हाफ 80 स्क्वायर, इसको लगाते हैं वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल मोशन के लिए। वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तो यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी, तो यहाँ पर नीचे से ऊपर जाने पर बच्चों हाइट कितनी सर अटेंड करी h, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 29.4, टाइम इसने लिया कितना t, पहले हम इसका टाइम निकाल लेते हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी से इसका टाइम निकालते हैं, इसका एक्सेलरेशन होगा अपवर्ड मोशन के लिए माइनस जी, v यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर v कितना हो जाएगा इसका जीरो, u कितना है 29.4 और g की वैल्यू 9.8 ले लेते हैं, टाइम हमारे हमें निकालना है तो t की वैल्यू यहां पर आ जाएगी माइनस के 29.4/9.8। ठीक है, और इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो तकरीबन ये 3 आ जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस में है तो ये कितना आ जाएगा 3 सेकंड, तो यहाँ पर टाइम आएगा बच्चों कितना 3 सेकंड। अब एक बात है बच्चों, इसको नीचे से यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचने में टाइम कितना लगा 3 सेकंड। ठीक है, 3 सेकंड लग रहे हैं इसको, और आपको मैंने पढ़ाया हुआ है टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू होता है टाइम ऑफ डिसेंट, यानी जितना इसको ऊपर जाने में टाइम लगा उतना इसको नीचे आने में भी लगेगा, यानी कि इसको टोटल टाइम जो लगेगा प्लेयर के हैंड में आने में, टोटल टाइम जो बच्चों यहां पर लगेगा इसको प्लेयर्स के हैंड में आने में, यानी कि 3 ऊपर जाने का 3 वापस नीचे आने का, तो कितना होगा 6 सेकंड, तो टाइम तो इसका आ गया 6 सेकंड। अब कितनी हाइट इसने जो है बच्चों अचीव की, उस हाइट को हम निकालते हैं, लगाते हैं यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस कितना बेटा हाफ 80 स्क्वायर, और यहाँ पर एस की जगह ले लिया एच, यू कितना 29.4। ठीक है, टाइम कितना लगा इसको नीचे से ऊपर जाने का, टाइम लगा 3 सेकेंड। ठीक है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन नीचे से ऊपर जाने के लिए ले लेंगे माइनस 1/2, जी की वैल्यू ले लो 9.8, टी की वैल्यू कितनी है भैया 3 का स्क्वायर। ठीक है, इससे आप रख के सोल्व कर लेंगे 29.4 × 3, और ये आ जाएगा कितना 4.9, तो ये आ जाएगा माइनस के 4.9 × 9, इसको रख के बच्चों आप सोल्व कर लोगे, जो भी आंसर आएगा वही हमारी क्या होगी, हाइट होगी। ठीक है, वही हमारी हाइट किस में आ जाएगी, मीटर में, इसे आपने सोल्व कर लेना। आई होप के क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें थी, है ना, तो पॉइंट्स वाइज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और बार बार आप इसको जो है देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ ग्राफ्स हमें दे रखे हैं क्वेश्चंस में, और बोला हुआ लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर, आपको दे रखी है केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन विच ऑफ दिस कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशन मोशन ऑफ ए ग्राफ। पहले तो बच्चों एक बात समझ लो, कभी भी एक्सट्री ग्राफ हमें दिया जाता है वो एक्सट्री ग्राफ कभी भी हमें टाइप्स ऑफ मोशन नहीं बताता,
कि किस टाइप का मोशन है हमारा, स्ट्रेट लाइन है, वन डायमेंशन है, टू डायमेंशन है। तो बच्चों एक बात तो ये क्लियर पकड़ लो कि एक्सटी ग्राफ हमें क्लियर नहीं करता इस बात को, वो हो सकता है वन डी का भी मोशन हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो पहले ग्राफ में बच्चों, पहले ग्राफ में अगर हम एक्सटी ग्राफ के यानी कि पोजिशन ये एक्स के पैरेलल लाइन खींचते हैं, तो ये लाइन यहाँ पर इसको दो जगह टच कर रही है, ठीक है, दो जगह जब ये टच कर रही है इन दोनों पॉइंट पर, तो एक ही टाइम पर आप देखो दो पोजीशन है ग्राफ पर, और किसी भी पार्टिकल की एक टाइम पर दो पोजीशन नहीं हो सकती, किसी भी पार्टिकल की एक ही टाइम पर अगर वो ट्रैवल कर रहा मोशन में तो दो पोजीशन उसके एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसलिए ग्राफ क्या है बच्चों, पॉसिबल ही नहीं है, है ना। तो आप देखो यहाँ पोजीशन इसके कुछ और आ जाएगी, यहाँ पोजीशन इसके कुछ और आ जाएगी, ठीक है, तो इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकता। दूसरे वाले ग्राफ में अगर हम वेलोसिटी के पैरेलल लाइन खींचते हैं, तो आप देखो वेलोसिटी के पैरेलल लाइन पर एक तरफ वेलोसिटी बढ़ रही है, एक तरफ वेलोसिटी क्या हो रही है, यहाँ पर घट रही है, ठीक है। तो आप देखो वेलोसिटी एक ही टाइम पर कभी इंक्रीज है कभी डिक्रीज है, जो कि पॉसिबल यहाँ पर नहीं हो सकता कि या तो इंक्रीज हो रही होगी एक ही समय पर, टाइम आप देखो टाइम एक्सिस पर टाइम सेम है, तो यहाँ पर इंक्रीज भी हो रही है, यानी कि यहाँ से इंक्रीज भी कर रही है, यहाँ से ये ग्राफ इधर आ रहा है, तो यहाँ पर हम बी टी ग्राफ वेलोसिटी क्या कर रही है यहाँ पर डिक्रीज, दूसरी तरफ देखेंगे तो क्या कर रही है हमारी इंक्रीज कर रही है, तो एक तरफ डिक्रीज करी एक तरफ क्या करी इंक्रीज करी, तो इसलिए एक ही टाइम पर इंक्रीज और डिक्रीज पॉसिबल नहीं होता वेलोसिटी का, या तो एक उसी टाइम पर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो या फिर उसी टाइम पर क्या कर रही हो डिक्रीज, बट लेकिन एक टाइम पर दोनों काम यहाँ पर हो रहे हैं इस ग्राफ में कि इंक्रीज भी हो रही है डिक्रीज भी हो रही है, इसलिए ये भी ग्राफ बच्चों पॉसिबल नहीं है ना ये पॉसिबल है। यहाँ आ जाइए देखो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, स्पीड कैसी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर, और स्पीड कांट बी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं होती, इसलिए आप इस ग्राफ में देखोगे तो स्पीड यहाँ पर देखो नेगेटिव यहाँ पर आ रही है, तो ये भी ग्राफ यहाँ पर गलत है, पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि स्पीड कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, हैं। देन यहाँ पर टोटल पाथ लेंथ यानी कि पोजिशन यानी कि डिस्टेंस वर्सेज टाइम का ग्राफ है, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर, और डिस्टेंस कभी घटता नहीं है कि आप जो 50 किलोमीटर कर लिए फिर आप जो है डिस्टेंस घटा लिया आपने, नहीं, डिस्टेंस समय से क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ डिस्टेंस पहले तो बढ़ गया फिर यहाँ पर क्या हो रहा है डिक्रीज, इसलिए यहाँ पर ये पोर्शन की वजह से ग्राफ ये पर ये पॉसिबल नहीं है, ये भी ग्राफ क्या है बच्चों, गलत है, इसलिए आप देखो कि चारों ग्राफ यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है सभी ग्राफ, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन अब बच्चों आपको समझ में आए होंगे, देन चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमें दे रखा है, जैसे कि ये प्लॉट दे रखा है एक्स वर्सेस टी का ग्राफ हमें एक दे रखा है वन डायमेंशन मोशन के लिए, इट इज करेक्ट टू से डैट फ्रॉम द ग्राफ द पार्टिकल मूव्स इन इन ए स्ट्रेट लाइन टी लेस देन जीरो, तो ये कह रहा है कि टी लेस देन जीरो, जब टी लेस देन जीरो तो यहाँ पर इस पोर्सन में बच्चों आपको ग्राफ ये देख रहा है ब्लू पोर्सन, तो ये टी लेस देन जब जीरो है तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या ये मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है, क्या क्या ये मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकता है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भैया एक्स टी ग्राफ हमें कन्फर्म नहीं करता है कि मोशन स्ट्रेट लाइन है, एक्स टी ग्राफ से हमें इस बात की गारंटी नहीं मिलती कि मोशन हमारा स्ट्रेट लाइन ही होगा, कि ऐसा नहीं है कि हमारा एक्स टी ग्राफ हमें ये बताए कि भाई हमारा जो ग्राफ है वो कैसा है, वो ग्राफ हमारा कैसा है बच्चों, सॉरी हमारा मोशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। फिर उसके बाद कहता है कि ऑन ए पैराबोलिक पाथ टी ग्रेटर देन जीरो, तो ये जो टी ग्रेटर देन जीरो जहाँ जीरो से टी की वैल्यू क्या ज़्यादा, तो आप ये देख रहे हो क्या है, ये ग्राफ कर्व है, ये ग्राफ क्या आ गया, कर्व आ गया, और कर्व ग्राफ कब आ सकता है, मोशन अंडर ग्रेविटी जब होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन कराया था, तो जैसे कि एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एच यहाँ पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पावर टू की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक यानी कि यहाँ पर एच जो है डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट या हाइट डिपेंड कर रही है पावर टू पर, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, पैराबोलिक आएगा। तो ये जो पोर्शन है ये मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी को क्या कर रहा है बच्चों, डिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है, ये ग्राफ जिसमें वेलोसिटी इनिशियली एक्स टी ग्राफ देखो उसका एक्स कितना जीरो, फिर क्या हुआ बच्चों, एक्स की वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ हमारा फिजिकल कंटेक्स्ट ऑफ द ग्राफ यानी कि ये ग्राफ हमारा जो है बता सकता है, और बच्चों एक्स टी ग्राफ का अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। तो आप देखो यहाँ पर जो थीटा है वो क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, इनिशियली थीटा क्या है, कम है। मैं इसको ग्राफ को दोबारा बना देता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ आपको कि जब एक्स की वैल्यू जीरो से ज़्यादा है तो ग्राफ कुछ इस तरह का है, तो यहाँ पर थीटा कम है,
और फिर ये थीटा क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर एक्स टी ग्राफ में इसमें थीटा बढ़ रहा था, इसका मतलब यहाँ पर बच्चों वेलोसिटी क्या कर रही है, यहाँ पर इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी यहाँ पर क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो वेलोसिटी इंक्रीज होना मतलब तभी है जब हम किसी बॉल को ऊपर से क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो इनिशियली उसका डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो। तो नीचे जब वो मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये मोशन क्या हो सकता है, मोशन अंडर ग्रेविटी, जब हम किसी बॉल को ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं तो उसका फिजिकल कंटेक्स्ट ये आ सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फायर से ब्लड टू ए थीफ कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विद ए स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर आवर फुल स्टॉप इफ द मजल स्पीड ऑफ द ब्लड इज 150 मीटर पर सेकेंड विद व्हाट स्पीड इज द ब्लड हिट द थीफ्स कार नोट ऑब्टेन दैट स्पीड विच इज रिलेवेंट फॉर डैमेजिंग द थीफ कार। तो बच्चों हमसे बोला हुआ गया है कि पुलिस की वैन है एक, उससे आगे जो है थीफ यानी चोरों की कार चल रही है और पुलिस वैन की हमें स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर, तो उसी से एक ब्लड फायर की जाती है। आगे चोर की गाड़ी दौड़ रही है, पीछे पुलिस है और पुलिस की गाड़ी में से पुलिस वाला एक बुलेट फायर करता है। जब पुलिस वाला एक बुलेट फायर करता है तो क्या स्थिति बनती है बच्चों, देखो है क्या कि यहाँ पुलिस की गाड़ी बच्चों चल रही है, पुलिस वैन है, और ये पुलिस वैन की जो स्पीड है ना वो कितनी है, 30 किलोमीटर पर आर। ठीक है बच्चों, 30 किलोमीटर पर आर दे रखी है और फायर से ब्लड एट ए थीफ कार स्पीडिंग अवे इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में उसी से आगे 192, इसी से आगे एक थीफ कार बच्चों यहां पर ट्रैवल कर रही है। जिसकी स्पीड कितनी है, 192 किलोमीटर पर आर। ठीक है, 192 किलोमीटर पर आर इफ द मजल स्पीड ऑफ द ब्लड इज 150 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहां से जो एक ब्लड फायर की गई, इस बैन से एक ब्लड जो फायर की गई यहां से जो बुलेट फायर की जाती है बच्चों, उस बुलेट की स्पीड है कितनी, उस बुलेट की स्पीड हमें दे रखी है कितनी, 150 मीटर पर सेकेंड। इस बुलेट की स्पीड है 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो कि हमें इस बैन से जो है फायर की गई है। ठीक है, अब बात है कि कितनी स्पीड से जाके ये थीप कार को जो हिट करेगी, थीप कार को कितनी स्पीड से जाके बच्चों हिट करेगी वो हमें पता लगाना। ठीक है, विद व्हाट स्पीड द ब्लड हिट द थीप कार, ये कितनी स्पीड से जाके थीप कार को स्पीड हिट करेगी, और दोनों बच्चों सेम डायरेक्शन में मोशन है दोनों का, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, अब आप ये सोचिए जिस पुलिस की गाड़ी पर पुलिस वाले बैठे हुए हैं और वहाँ से जो है जो बंदूक है उसके पास, अगर पुलिस की गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर से पहले से चल रही है तो जो बंदूक के अंदर गोली है उसके पास पहले से स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। पकड़ने वाली बात है, कितनी स्पीड है उसके पास पहले से, 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो पुलिस में, पुलिस की गाड़ी में जो पुलिस वाला बैठा हुआ उसके पास जो बंदूक है वो भी कितनी स्पीड से चल रही है, पहले से 30 किलोमीटर पर आवर। अब उससे एक बुलेट फायर की कर दी जाती है, डैट मीन्स जो बुलेट फायर की गई, पहले तो उसको भैया चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर में। तो भाई इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो देखते हैं 18 बटे 5 5 3 15 34 54 540 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि इसको अगर हम लिखें तो ये 540 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यानी कि हमने जो है पहले तो हम कहाँ बैठे थे, हम कहाँ बैठे हैं, पुलिस की गाड़ी में, बंदूक के अंदर गोली, गोली के पास पहले से स्पीड कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर। जब हमने उसको फायर किया तो उसके पास स्पीड कितनी आ गई, 30 पहले से थी प्लस कितनी से फायर कर दिया, 540 से फायर कर दिया बेटा। तो कितनी स्पीड होगी बुलेट की, स्पीड हो गई बुलेट की बेटा कितनी, 540 प्लस कितना, 30 हो गया कितना बेटा, 570। यानी कि
उसके पास 570 किलोमीटर पर आवर की स्पीड किसके पास होगी बेटा, ब्लड की हो गई। अब वो कितनी स्पीड से जाके हिट करेगी थीप कार को, तो थीप कार को जब हिट करेगी तो पहले तो ये आगे चल रही है, देखो मैंने आपको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बताया, तो जो ब्लड आ रही है ब्लड के पास स्पीड है कितनी 570 किलोमीटर पर आवर। अब जो थीप कार है वो तो चल रही है आगे की तरफ, वो तो रुक नहीं रही, तो इस थीप कार को कैसे रोका जाए, ये थीप कार चल रही है 192 किलोमीटर पर आवर, तो इसको रोकने के लिए मैंने आपको बता रखा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगा दो बेटा, क्या लगा दो, अब ये डिस्टेंस क्या हो रही है इन दोनों की, बट क्या होगी चेंज होगी, तो इसको रोक लो, इसको सुपर इम्पोज करना है, तो डैट मीन सुपर इम्पोजिशन में उतनी ही वेलोसिटी इसमें से क्या कर दो माइनस, तो भैया जीरो हो गए, इतनी इसमें माइनस कर दो 570 माइनस 192 तो बेटा कितना आ गया 8 आ गया, यहाँ से इसमें से माइनस करो 16 9 कितना हो गया 16 में से 9 गए तो कितना बचा 7 और 4 में से 1 गया तो बचा कितना 3, तो ये आ गया 378। तो ये कितने से हिट करेगी इसको 378 किलोमीटर पर आवर से हिट करेगी बेटा, और मीटर पर सेकंड में से चेंज करना है तो 5/18 कर लो, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी 18 2 36 ठीक है 18 21 21 5 105 तो ये आ गया 105 मीटर पर सेकंड, ठीक है तो ये 105 मीटर पर सेकंड से जाके ये इसको हिट करेगी और किलोमीटर पर आवर में हिट करेगी कितने से 378 से, ठीक है बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन था, ये रिलेटिव वेलोसिटी को प्रवेश था, आई होप कि सभी बच्चों को जो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। देन चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, आगे की तरफ हमें फिर हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं और इन ग्राफ्स को लेके बच्चों फिर हम कुछ बेसिक्स क्लियर करते हैं। किसी का मैसेज हमारे पास है, कीप ट्राइंग सर कृष कुमार, कीप ट्राइंग, बिल्कुल ठीक है बच्चे, कृष कुमार आपका वेलकम है भाई बहुत बहुत। और कैलकुलेशंस जब हम करते हैं तो कैलकुलेशंस में बच्चों कभी कभी भाई मिस्टेक सभी से हो जाती है, तो यहाँ पर बच्चों हमें कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं, इन ग्राफ्स में हमें जो है क्या बताना है, फिजिकल सिचुएशन बतानी है कि ये किस फिजिकल सिचुएशन के लिए ग्राफ हो सकता है। तो देखो इस ग्राफ में बच्चों एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट इनिशियली किस में है बच्चों, रेस्ट में है, यानी ये पार्टिकल इनिशियली किस में है, रेस्ट में है, और फिर इसको क्या कर रहा है, फिर इसके पास क्या होता है एक्स की वैल्यू क्या होती है बढ़ती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बढ़ता है, फिर ये डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव भी पहुंच जाता है, देन फिर एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है कॉन्स्टेंट, यानी कि एक्स क्या हो जाता है जीरो, यानी कि फिर उसमें किस में आ जाती है बॉडी रेस्ट में। तो इस तरह का फिजिकल कंटेक्स्ट आ सकता है जब हम कोई बॉल फ्लोर पर पड़ी हुई है और उस बॉल को हम क्या करते हैं हिट करते हैं, तो हिट करने के बाद वो दीवार पर जाके कोलाइड करती है फिर वापस उसी डायरेक्शन में, बट लेकिन वेलोसिटी क्या कर जाती है उसकी कम हो जाती है, जब वो किसी दीवार से कोलाइड करके जब वापस आएगी, बॉल नीचे पड़ी हुई थी हमने जाके उसको हिट करा, हिट करने के बाद दीवार से टकराई, टकराने के बाद जब वो अपोजिट डायरेक्शन में आई तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई कम हो गई, और फिर उसके बाद वो किस पर आ गए रेस्ट पर आ गए। तो इस तरह का एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पर बन सकता है, ये इसका फिजिकल कंटेक्स्ट बन सकता है। यहाँ पर आ जाइए वीटी ग्राफ आपको दे रखा है, पहले वेलोसिटी ज़्यादा फिर और कम फिर और कम फिर और कम फिर और कम, और फिर बाद में आपके देखो कि वेलोसिटी का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता जा रहा है कंटिन्यूसली डिक्रीज करता जा रहा है। तो इस तरह का बच्चों हो सकता है कि अगर हम किसी बॉल को सर्टेन हाइट से हम छोड़ देते हैं तो वो क्या करेगी वो जंप करती रहेगी धीरे धीरे, उसकी जो हाइट है धीरे धीरे उसकी हाइट है क्या होती जाएगी जंप करते हुए कम होती चली जाएगी। तो वही दिखा रखा है कि जब पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या थी ज़्यादा थी, फिर और कम हुई फिर और कम हुई फिर और कम हुई जंप करते हुए, तो हम किसी बॉल को एक सर्टेन हाइट से जब हम ड्रॉप करते हैं तो वो बॉल क्या करती रहेगी बच्चों जंप करती रहेगी, देन आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करते करते क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पर दिखा रखा कि एक्सेलरेशन पहले इनिशियली एक्सेलरेशन कितना जीरो, तो हम कोई सपोज करो कोई बॉल है हमारे पास, वो बॉल किस पे है रेस्ट में है, फिर उसका एक्सेलरेशन पहले पॉजिटिवली बढ़ता फिर क्या करता डिक्रीज करता नेगेटिव, ठीक है नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होता घटता फिर उसको किस में आ जाता रेस्ट में। तो यानी कि सिंपली अगर किसी बॉल को हम हिट करते हैं तो हिट करने पर जो बच्चों क्या होता पहले उसका एक्सेलरेशन क्या होगा बढ़ेगा, फिर जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन जब वो मूव करेगी तो क्या होगा घटेगा। तो और उसके आफ्टर सम टाइम बॉल जब वो जो है फ्लोर पर आ जाती है गिर जाती है फ्लोर पर तो रेस्ट में आ जाएगी, तो उसके बाद उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाता जीरो। तो इस तरह का बच्चों ये एग्जांपल ये बन सकता, या फिर हम किसी बॉल को बैट से हिट करते हैं
तो जब वो बैट की तरफ आएगी एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, जब वो बैट से कोलाइड होने के बाद जब हम उसको उससे बैट से हिट करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, तो उसका एक्सेलेरेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। और आफ्टर सम टाइम वो किस में आ जाएगी बच्चों, रेस्ट में आ जाएगी। तो इस तरह ये भी एग्जाम्पल इसका बन सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमें दिया हुआ है कि यहां पर आपको एक एक्सट्री ग्राफ दे रखा है, उस एक्सट्री ग्राफ में वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सबसे पहले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको पता होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन उसे बोलते हैं जो अपने को पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या करता हो, रिपीट करता हो, ठीक है, क्या करता हो, रिपीट करता हो, साथ ही साथ उसकी रीस्टोरिंग फोर्स उसमें जो होती है वो रीस्टोरिंग फोर्स वो होती है टुवार्ड्स द मीन पोजिशन, रीस्टोरिंग फोर्स होती है टुवार्ड्स मीन पोजिशन, ठीक है जी। और इसका बच्चों एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या फिर यहाँ पर एक्स ले रखा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन भी इसका क्या होता है, टुवार्ड द मीन पोजिशन, इसी वजह से इसका एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन होती है टुवार्ड द मीन पोजिशन। वैसे ये क्वेश्चन बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन से बनता है, पर लेकिन जो हमारे 11th फाउंडेशन है यहाँ भी पढ़ानी होगा, तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर आ जरूर गया, बट लेकिन हम करा देते हैं इसको, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमसे बच्चों पूछा जाता है, देखो यहाँ लिखा भी है कि डिटेल में आप पढ़ोगे चैप्टर 14 में, यू विल लर्न अबाउट दिस मोशन इन मोर डिटेल इन चैप्टर 14, यानी कि चैप्टर 14 हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का चैप्टर होगा, वहाँ पर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ये एनसीईआरटी में पहले ही बोल दिया गया। तो आपसे पूछा जाता है भैया साइन बता दो पोजीशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के, कहाँ पर, टाइम टी बराबर 0.3 सेकंड पर, 1.2 सेकंड पर, -1.2 सेकंड पर। तो सबसे पहले टाइम की वैल्यू जब मैं 0.3 सेकंड लेता हूँ तो वहाँ पर एक्स ले लेते हैं और वेलोसिटी ले लेते हैं और एक्सेलरेशन लेते हैं, तो इनका साइन क्या होंगे। तो बेटा 0.3 सेकंड कहीं यहाँ आएगा, 0.3 सेकंड, ठीक है, इधर कहीं आएंगे। तो यहाँ पर आप देखो x की वैल्यू कैसी है बेटा, नेगेटिव है, ठीक। आप वेलोसिटी देखोगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से है, यहाँ पर टेंजेंट खींचोगे, वो सॉरी पैरेलल लाइन खींचोगे x एक्सिस, तो थीटा क्या है यहाँ पर 90 से ज़्यादा है, और थीटा 90 से ज़्यादा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी भी कैसी आ जाएगी बेटा, नेगेटिव। अब एक्सेलरेशन की बात करें तो यहाँ पर एक्स नेगेटिव है, यहाँ पर एक्स क्या है बेटा, एक्स की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आएगी, तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसा आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि एक्स यहाँ पर कैसा है, नेगेटिव है, और एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टी बराबर कितने पर, 1.2 सेकंड पर। तो 1.2 सेकंड की बात करें तो 1.2 सेकंड कहाँ लाई कर रहा है बच्चों, 1.2 सेकंड तकरीबन यहाँ कहीं लाई करेगा ये, ठीक है, 1 है 1 से आगे 1.2, तो कुछ ग्राफ इस तरह का यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आप देखोगे तो क्या आएगी, पॉजिटिव, तो x यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। और उसके बाद वेलोसिटी हम देखते हैं, तो इस ग्राफ के लिए जब हम पैरेलल लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, थीटा क्या है, लेस देन है 90, और सभी बच्चों को बता रखा थीटा लेस देन 90, एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें देता है बेटा क्या, एक्सटी ग्राफ का स्लोप से हमें मिलती है क्या, वेलोसिटी। तो जब हम यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, वेलोसिटी होगी यहाँ पर हमारा क्या, टेन थीटा, स्लोप एक्सटी ग्राफ का क्या देता है हमें, वेलोसिटी। तो थीटा यहाँ पर 90 से कम होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेलोसिटी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेलोसिटी पॉजिटिव। और यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात करें तो बेटा एक्सेलरेशन की बात करें, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कैसी है यहाँ पर बच्चों, एक्स की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन कैसा आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, एक्सेलरेशन यहाँ पर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। उसके बाद टी की वैल्यू -1.2, टी की वैल्यू हमारे पास -1.2 सेकंड, तो -1.2 सेकंड हमारा कहीं इधर कहीं लाई करेगा, ठीक है, ये पॉइंट लाई करेगा, और ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह से, ये ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पैरेलल लाइन खींच लेंगे एक्स एक्सिस के, तो आप देखो पहले तो एक्स की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, तो एक्स यहाँ पर आएगा कैसा, नेगेटिव। वेलोसिटी यहाँ पर कैसी आएगी, थीटा क्या है, 90 से कम है, तो वेलोसिटी कैसे आ जाएगी यहाँ पर, पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, एक्स नेगेटिव तो एक्सेलरेशन यहाँ पर आ जाएगा कैसा बेटा, पॉजिटिव। तो ये सारी बच्चों यहाँ पर कंडीशंस हैं,
और आई होप कि सभी को कंसेप्ट ये समझ में आएगा, बट लेकिन एसएचएम के लिए आपको ये जरूर पता होना चाहिए, वरना आपको जो है यहाँ पर दिक्कत आएगी इन सभी में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फिर ये बच्चों कुछ क्वेश्चंस है ग्राफिकली, और ग्राफ्स के ये सभी क्वेश्चंस हम चाहेंगे कि सभी क्लियर हो जाएं, कि आज हम इसका एंड करते हुए कल को हम जो है वेक्टर्स स्टार्ट करें नेक्स्ट सेशन में। तो यही हमारे जो बच्चों है, और वेक्टर्स ही बच्चों अच्छे लेवल का हम कराएंगे। आपको मैं बार बार बोल चुका हूँ कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमने सभी पी वाई क्यू, मोस्टली पी वाई क्यूज बच्चों हमने लिए हुए हैं, और वो सभी पी वाई क्यूज आप जो है एक सेशन हमने कराया था, उस सेशन में बच्चों सभी का डिस्कशन किया हुआ था, तो सभी पी वाई क्यूज बच्चों आप जाके कर सकते हैं। और यहाँ भी हमने एनसीईआरटीज के मेन मेन क्वेश्चंस काफ़ी बच्चों आपके साथ शेयर किए हुए हैं। ये बच्चों हमें एक एक्सट्री ग्राफ दे रखा है, ठीक है, थ्री डिफरेंट इक्वल इंटरवल दे रखे हैं, तीन इंटरवल हमें दिख रहे हैं यहाँ पर। इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट, एवरेज स्पीड कौन से में ग्रेटेस्ट होगी, और साइन हमें बताना है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, बाकी ये क्वेश्चन आप जो है बच्चों सेल्फ ट्राई करेंगे, आप खुद से इसको ट्राई करेंगे, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को, इसको मैं आपको कराता हूँ। तो आप बच्चों आपको क्या देखना है कि यहाँ पर एवरेज स्पीड देखनी है, तो एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। तो भैया आपको दे रखा है एक्सटी ग्राफ, तो एक्सटी ग्राफ का हमें स्लोप निकालना है, एक्सटी ग्राफ का हमें देखना स्लोप। स्लोप जो होता है वो क्या देता है हमें, स्पीड देता है, क्या देता है स्पीड। और स्लोप हमारे पास, यानी कि स्लोप की बात करें, स्लोप होता है हमारे पास क्या भैया, टेन थीटा। तो आप देख लो थीटा कौन से वाले उसमें ज़्यादा है, और साइन बता देंगे। जहाँ थीटा हमारा लेस देन 90 है वहाँ पर स्पीड होगी पॉजिटिव, जहाँ थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाएगा बेटा वहाँ स्पीड कैसी हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देखो कि थीटा आपको क्या लग रहा है कहाँ ज़्यादा, देखो यहाँ से यहाँ पर देखो, इस वाले पोर्शन में आप देखोगे कि ये कुछ पोर्शन जो है तो यहां कुछ इस तरह से आपको दे रखा है। तो ये जो पोर्शन है आप देखोगे कि यहां से यहां का जो ये एंगल क्या है ज्यादा है। अब यहां पे देखोगे बच्चों यहां पर ये एंगल, तो यहां से आप ये ग्राफ कुछ इस तरह से है, और यहां एंगल देखोगे थीटा कम है, और यहां अप्रोक्सीमेटली क्या है इनके बीच में थीटा की वैल्यू, जो कि ग्राफ इस तरह से जाता हुआ ऐसे आ रहा, तो यहां थीटा सबसे कम है, तो यहां तो थीटा क्या है सबसे कम, बहुत ज्यादा स्मॉल यहां उससे ज़्यादा, और यहाँ सबसे ज़्यादा। तो इस वाले पोर्शन में जो थर्ड है ना इंटरवल, इसमें थीटा क्या है बच्चों, मैक्सिमम होगा, थीटा मैक्सिमम होगा, तो यानी कि टेन थीटा मैक्सिमम, तो स्पीड मैक्सिमम होगी किसमें, थर्ड वाले में स्पीड यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी, कौन से वाले, थर्ड, जो थर्ड इंटरवल है, ठीक है, कौन से वाले में, थर्ड इंटरवल, थर्ड इंटरवल में स्पीड मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद बात करें तो साइन की बात करें, थीटा 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा कौन से में आएगा, हमारा थर्ड में ही आएगा, अच्छा जी, फर्स्ट में 90 से कम, वहाँ भी क्या है 90 से कम, तो फर्स्ट एंड सेकंड में थीटा की वैल्यू लेस देन है 90 से, और थीटा लेस देन है 90 से, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, थीटा लेस देन 90 से, साथ ही साथ थीटा की वैल्यू लेस देन 90, तो उसका मतलब कैसा रहेगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पर स्पीड पॉजिटिव, और थर्ड में थीटा ग्रेटर पहुँच रहा है 90 से, तो इसलिए यहाँ पर कैसा रहेगा, नेगेटिव, ठीक है बच्चों। सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, तो सभी आई होप कि सभी चीज़ आपको क्लियर हुई होंगी, और इसी के साथ हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन को हम यहाँ पर बच्चों ख़त्म करते हैं, और आज के सेशन के साथ हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन वाला सेक्शन बच्चों ख़त्म हो जाता है। काफ़ी एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पर आपको कराई हैं, ठीक है, जहाँ बच्चा स्टक करता है मैक्सिमम एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स लेने की मैंने यहाँ पर कोशिश की है। और नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ और एंजॉय करते रहिए हमारे इस कंटेंट को, ठीक है। आई होप कि सभी बच्चों को जो है आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, और सभी बच्चे इनको क्वेश्चंस को ज़रूर अपने नोटबुक पर बच्चों करके देखें, और जो हमने पी वाई क्यू अलग सेशन में बच्चे कराए हैं एम सी क्यूज में, तो उन सभी एम सी क्यूज को बच्चों आप जो एक बार सॉल्यूशन सभी का देख लीजिए करके, और तभी आपकी प्रिपरेशन जो है आप राइट डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे। और हमारे हमारी आशा यही है आप सभी लोगों से कि आप सभी बच्चे जो है नीट और जेई में अपना सिलेक्शन फर्स्ट टाइम में बच्चे लेके आएँ, यही हमारी होप है। और आप बच्चों बस सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना, रेगुलरिटी इज़ द मेन थिंग, आपको रेगुलरिटी अपने पढ़ाई में ज़रूर रखनी पड़ेगी, और कंसंट्रेशन लेवल अगर आपका भंग हुआ, क्योंकि 11th 12th में मैच्योरिटी लेवल
बच्चे के पास नहीं होता। अगर मैच्योरिटी लेवल यानी आपने अपने को समझा लिया, मैच्योरिटी लेवल वहाँ आपके पास आ गया, तो डेफिनेटली नीट और बच्चों जेई मेंस ज़्यादा बड़ी बात क्रैक करना नहीं है, आप बहुत ईजिली बच्चों क्रैक कर जाओगे। और तब तक के लिए बच्चों, नेक्स्ट सेशन के लिए तब तक धन्यवाद, फिर मिलते हैं।